नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। ईशा गुप्ता ने हाल ही में बताया है कि उन्हें दो बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर्स ने बड़े प्रोजेक्ट्स में काम देने के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड की थी। हालांकि ईशा ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इस कारण उन्हें कई प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। यहां तक कि उन्हें उस फिल्म से भी निकाल दिया गया था जिसकी आधे से ज़्यादा शूटिंग पूरी हो गई थी। एक इंटरव्यू में ईशा ने बताया, को प्रोड्यूसर ने मुझसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड की थी। उस वक्त मैं एक फिल्म में बिजी थी जिसकी शूटिंग आधे से भी ज़्यादा खत्म हो गई थी। मैंने जब को प्रोड्यूसर की डिमांड मानने से इनकार कर दिया था, तब उन्होंने मेकर्स से कहकर मुझे फिल्म से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद दूसरे कुछ मेकर्स ने भी मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करने को मना कर दिया। सब आपस में मिले थे। मैंने कुछ लोगों कहते हुए सुना था कि जब मैं उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकती तो फिल्म में किस हक से काम कर सकती हूँ। ईशा ने आगे दूसरे कास्टिंग काउंसिल से जुड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि आउटडोर शूट के बहाने उनके साथ गलत करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा, यहाँ पर दो लोगों ने मिलकर कास्टिंग काउच का प्रकरण रचा था। मैं शुरुआत में ही समझ गई थी, लेकिन लगा कि कुछ समय बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उस शख्स को लगा कि मैं आउटशूट पर हूँ तो उसके मायाजाल में फंस ही जाऊँगी। मैंने इस समय समझदारी दिखाई। मैंने अपने फीमेल मेकअप आर्टिस्ट से कहा कि वो साथ में मेरे कमरे में सो जाए। एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सांवले रंग की वजह से काफ़ी ताने सुनने पड़ते थे। ऑडिशन के दौरान कई लोग उन्हें वाइटनिंग इंजेक्शन लेने की सलाह देते थे। दबे रंग के कारण कई लोगों ने उन्हें फिल्म में कास्ट नहीं किया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।